हेलो दोस्तों, राहुल निशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, ध्यान होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कुछ भी कहने या सुनने से पहले आप सभी को हम बोल देते हैं, आप लोगों को नए साल की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो दोस्तों, इसी साल नहीं, आने वाले हर साल में आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, कुशल मंगल रहिए। तो दोस्तों, दो दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, उसके लिए भी सॉरी, और लेट से आप लोगों को नए साल विश किए उसके लिए भी सॉरी। दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, आप लोगों के साथ वो कारण शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और जो है हमारे दर्शकों को आप आशीर्वाद दीजिए, यहाँ रहिए खुश रहिए, आप यहाँ रहिए तहाँ खुश रहिए। तो दोस्तों, हमारी सासू ने बात दे दी है, तो प्लीज़ उसी प्रकार जैसे मेरी सासू माँ आप लोगों को अपना आशीर्वाद दी है, उसी तरह आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और नए साल में आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चाहे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर, हमारा साथ दीजिए। जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दुलार दे रहे हैं, प्लीज़ उसी तरह हमें प्यार दुलार दीजिए। और बस इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से, हमें देर हो गई वीडियो डालने में दोस्तों, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था, सामने को लेकर परेशान थे। और सुबह सुबह जिससे आप लोग समझ सकते हैं बहुत ठंडी, उठने का मन नहीं करता सुबह सुबह, नम्मा देर हो जाती है उठने में ही सुबह में। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, लेट हो गया। कुछ लोगों के लिए तो 2023 अच्छा रहा होगा, कुछ लोगों के लिए तो खराब रहा होगा फिर, लेकिन जैसा भी रहा बीत तो गया ना नम्मा, जैसा भी रहा बीत गया। तो मैं बस यही कामना करना चाहती हूँ, भगवान भोले बाबा करें आप लोगों का मतलब जो नया वर्ष है वो बहुत ही अच्छे से बीते। दोस्तों, सन भी सो रही है और हम और सासू माँ बैठे हैं, अभी मुझे वीडियो बनाना है, दो दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे दोस्तों। और कल तो दोस्तों हमारा दिमाग शाम को बहुत ख़राब हो चुका था नम्मा, एक बात सुन के एक महाशय हमारे घर टपक पड़े थे, जिनका ना तो हमसे कोई रिश्ता, ना ही हमारे हस्बैंड जिसे है, और पता नहीं क्या आके हमारे सानवी को बोले। खैर जाने दीजिए, सब कुछ हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भगवान का घर है तो भगवान के घर में माफ़ी रहती है नम्मा, माफ़। और कहावत भी है, अब चाहे जो जो जैसा कहे कि ना अम्मा, चाहे कोई कहे जो भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम अपना काम करेंगे, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, किसी के कहने या किसी के कुछ करने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तो दोस्तों, हम वीडियो को अपना मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, तो हम जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो बनाने। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बस जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दुलार दे रहे हैं उसी तरह अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। धन्यवाद, हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।